हेलो गर्ल्स, आई एम नीतू सिंह, योर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको आपके फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके प्रोज सेक्शन का है, उसके हिंदी मीनिंग बताऊंगी। द चैप्टर नेम इज़ अ गर्ल विद अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ, यानी एक लड़की टोकरी लिए हुए है, उसके बारे में है ये। बाय विलियम सी डगलस, ये किसने लिखी है? इंग्लिश राइटर विलियम सी डगलस ने लिखी है, ठीक है। हेयर इज योर टाइटल अ गर्ल विद अ बास्केट। एज यू नो, इसका जो राइटर हैं विलियम सी डगलस, इनका पूरा नाम है विलियम कैंपबेल डगलस। ओके, तो आप अगर आपकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता है उसमें आप इसका पूरा नाम लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है विलियम कैंपबेल डगलस। ये एक यात्रा वृतांत है, ये जो चैप्टर है यात्रा वृतांत है, मतलब जब हम कोई यात्रा करके आते हैं तो उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस लिखिए, तो वो यात्रा वृतांत कहलाता है, यानी ट्रैवल एक्सप्लेनेशन, ट्रैवल के बारे में अपनी वर्णन करना कि हमने उस यात्रा को कैसे जिया, कैसा महसूस किया। तो विलियम सी डगलस जब भारत आए थे पार्टीशन के समय, जब भारत का विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तो उस समय ये भारत आए थे, तो उस समय की जो कंडीशन थी, परिस्थितियाँ थी, उन्होंने वो देखी, उन्हें महसूस किया और उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने बताया है, ठीक है। आपका ये चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ है। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, यानी ये यात्रा वृतांत, यानी उन्होंने खुद लिखा है, तो राइटर के लिए इसमें आई वर्ड यूज़ होगा, यानी जो आई है यहाँ पर वो कौन है? विलियम सी डगलस। ओके, आई न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज, मैंने दिल्ली छोड़ दी थी हिमालय के लिए। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, मैं बरेली गया बाय ट्रेन, यानी मैं न्यू दिल्ली से निकला था हिमालयाज के लिए, पहले मैं गया बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और फिर कार की सहायता यानी कार में बैठकर रानीखेत गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन, एन ओल्ड, एक पुराना ब्रिटिश यानी अंग्रेजी आर्मी हिल यानी आर्मी एरिया का हिल स्टेशन था, यानी पर्वतीय स्थल था, लोकेटेड, जो कि स्थित था 6,000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, यानी वो एक 6,000 फुट ऊंची चोटी थी, चोटी पर स्थित था वो आर्मी हिल स्टेशन। ओके, यहाँ पर रिज का मीनिंग है चोटी। ओके, अपोजिट होता है किसी के सामने होना, अपोजिट है 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। 120 माइल यानी 120 मील तक स्ट्रेच में फैला हुआ, ऑफ स्नो कैप्ड, स्नो माने बर्फ, कैप्ड माने ढका हुआ, हिमालयाज यानी वो किसके सामने थी वो चोटी, जो हिमालय जो कि बर्फ से 120 मील तक फैला हुआ था उसके सामने वो 6,000 फुट की चोटी स्थित थी, वो हिल स्टेशन स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, जो वो जा रहा था ट्रेन बहुत धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, एंड इट स्टॉप, वो रुक रही थी एट ऑल द वे स्टेशन, हर स्टेशन पर। एट एवरी स्टॉप यानी जो भी स्टेशन आ रहा था, एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट बोलते हैं रेलवे के जो कोच होते हैं, जो डिब्बे बने हुए होते हैं वो कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो आई स्वंग अपॉन ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, यानी जब स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी मैं अपना दरवाज़ा खोलता था कंपार्टमेंट का, और स्वंग, स्वंग माने होता है झूलना, स्विंग की थर्ड फॉर्म है यह स्वंग, अपने दरवाजे पर लटक के झूलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और वहाँ से झूलते हुए उतरकर प्लेटफॉर्म पर घूमता था, यानी जब भी कोई स्टेशन आता था वो प्लेटफॉर्म पर उतरता था और वहाँ घूमता था। हेयर इज योर सेकेंड पैराग्राफ। द प्लेटफॉर्म्स वर द पीपल, जो प्लेटफॉर्म था लोगों का था, यानी लोगों से भरा हुआ था। कौन कौन थे वहाँ? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, आपको पता है सिख मुस्लिम ईसाई, सोल्जर्स मीन सैनिक, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स बोझा ढोने वाले, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले, ठीक है। इन सब से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था
ऑलमोस्ट एवरी वन यानी लगभग प्रत्येक वॉज बेयर फूट. बेयर मीन्स होता है नग्न, फूट होता है पैर, यानी प्रत्येक व्यक्ति लगभग प्रत्येक व्यक्ति वहाँ नंगे पैर था. एंड ड्रेस्ड इन अ लूज, और ड्रेस्ड क्या कपड़े पहने हुए थे, इन अ लूज ढीले वाइट गारमेंट्स, ढीले सफ़ेद रंग के कपड़े सबने पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट थ्री पीपल, मैंने वहाँ कम से कम तीन लोगों से बात की होगी, तीन लोगों से पूछा होगा बिफोर, इससे पहले आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. यानी जब तक मुझे एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, फाइंड मीन्स पाना, वन हु स्पोक इंग्लिश, जो कि इंग्लिश बोल सके. यानी उसको तीन आदमियों से बात करनी पड़ी इससे पहले कि उसे इंग्लिश बोलने वाला एक आदमी मिल जाता. यानी जब उसने बात करके देखा तो उसको सामने वाले को हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी, फिर दूसरे से पूछा उसको भी नहीं आती थी, तीसरे को पूछा उसको भी नहीं आती, जब चौथे को पूछा तो उसको इंग्लिश आती थी, तब उसने बात की. इसलिए वो कह रहा है कि जब तक मुझे वो चौथा व्यक्ति मिला जिससे इंग्लिश आती है, उससे पहले वो तीन व्यक्तियों से बात कर चुका था. वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, यानी हमने जो संसार के मामलों के बारे में बात की, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात की जो उस समय प्रज्वलित था, यानी उस समय जो मुख्य समाचारों में था उस टॉपिक के बारे में बात की. द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो कि उन दिनों खबरों में था, और जो दिन की खबरों की थी खबरें थी उनके बारे में भी बात की. इन दिस वे, इस तरह, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पर्ल्स ऑफ द नेशन. आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील, मैं कोशिश कर रहा था पाने की, फील महसूस करने की, द पल्स ऑफ द नेशन. पल्स ऑफ द नेशन होता है, पल्स होता है नाड़ी, नेशन होता है राष्ट्र, यानी उस राष्ट्र की यानी भारत देश की नाड़ी को महसूस करने की कोशिश कर रहा था. इसका क्या मतलब है, जब डॉक्टर हमारी नाड़ी देखकर यानी हाथ पकड़कर बुखार वगैरह या हमारी तबीयत के बारे में बताता है, तो वो हमारे बॉडी को फील करता है, यानी बॉडी में क्या हो रहा है वो जानना चाहता है. इसीलिए उसने ये वर्ड यूज़ किया है ऑथर ने, कि मैं उन लोगों से बात करके वहाँ की राष्ट्र की जो सोच है, उन लोगों की सोच है वो कैसे रहते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट. चेकिंग ओपिनियन यानी मैं चेक कर रहा था ओपिनियन, ओपिनियन होता है राय, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. ऑफिशियल यानी जो सरकार के द्वारा किए गए काम हैं उनके प्रति एटीट्यूड, मतलब व्यवहार, एंड रिपोर्ट्स यानी जो सरकार के द्वारा किए गए काम हैं, मैं उन लोगों की उनकी उन सरकार के द्वारा किए गए कामों के ऊपर रिपोर्ट जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसा फील करते हैं. ठीक है, हेयर इज योर नेक्स्ट पैराग्राफ. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट. कृषि वाले क्षेत्रों का लग रहा था या कृषि वाले क्षेत्रों का था, क्योंकि वहाँ पर जो फसल का उगाई थी या फसल जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जहाँ से गुजर रहा था उस एरिया भारत के उच्चतम कृषि क्षेत्रों में से था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर. ये जो स्थान था वो गंगा का ऊपरी स्थान था, यानी जहाँ गंगा बहती है उससे ऊपर वाला स्थान था, और प्लेन था. प्लेन बोलते हैं पठार, यानी भूमि का कुछ ऊपर उठा हुआ भाग पठार कहलाता है, वो प्लेस था. 1000 feet अबव सी लेवल, वो स्थान था, वो सी लेवल यानी समुद्र के लेवल, जहाँ समुद्र है, समुद्र जहाँ तक है उसके 1000 feet ऊपर था. ठीक है, हमारे जो वर्ल्ड में ऊंचाई या नीचाई नापी जाती है किसी प्लेस की, वो सी लेवल के थ्रू नापी जाती है. जहाँ से समुद्र ख़त्म होता है वहाँ से हम लंबाई नापना शुरू करते हैं. ठीक है, आपने कभी किसी स्टेशन पे देखा होगा, जैसे मेरठ नगर जंक्शन है तो उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि सी लेवल से इस मेरठ जंक्शन की या मेरठ नगर की इतनी ऊंचाई है, तो वो उसको नापा जाता है ऐसे. तो उस प्लेस का, उसकी लंबाई क्या थी यानी उसकी ऊँचाई क्या थी, 1000 feet अबव सी लेवल. समुद्र के लेवल से वो 1000 feet ऊपर था, बट ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल होता है उष्णकटिबंधीय. उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है जहाँ पर गर्मी और गर्मी ज़्यादा होती है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं. ठीक है,
ये देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मैं आपको बता देती हूँ, ये जो यहाँ पर है एरिया, ये वाला ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, जैसे मैंने आपको बताया ये भूमध्य रेखा के और कर्क रेखा के पास होता है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय। इसमें ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट भारत का भी आधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, यानी वो यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था इस वक्त। ओके, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा का भूरा गाद था, गाद यानी जो गीली मिट्टी होती है बिल्कुल पानी से बिल्कुल लबलबी, तो जो गंगा का ब्राउन कलर का जो सिल्ट था यानी गाद था, स्वलन विद फ्लॉड वाटर, और वो किससे उभरा हुआ था, बाढ़ के पानी से ऊपर उठा हुआ था। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ राइज, ओवरफ्लो यानी ओवरफ्लो हो रहा था, यानी बाढ़ का इतना पानी आ चुका था कि रिवर के ओवरफ्लो हो रहा था, उसके ऊपर तक आ रहा था, और किसको प्रभावित कर रहा था, एकर्स ऑफ राइज यानी एकड़ की ज़मीन जिसमें चावल बोए हुए थे, राइस मीन्स चावल बोए थे, उसको प्रभावित कर रहा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, टू द नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ देखे तो वर जंगल्स, बहुत सारे जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास यानी वहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची घास थी, ठीक है, हायर देन मैंस हेड यानी इतनी ऊंची घास थी कि मनुष्य के सिर के ऊपर तक थी, यानी मनुष्य की जितनी लंबाई होती है उससे उतनी बड़ी बड़ी घास थी, एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन ओकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज, और अनब्रोकन यानी ना टूटने वाली, एक्सपेक्ट फॉर एन ओकेजनल क्लंप ऑफ ट्रीज होता है यानी पेड़ों की एक लंबी कतार वहाँ पर थी जो कट अनब्रोकन यानी नहीं टूट रही, यानी बिल्कुल पास पेड़ लगे हुए थे ट्रैवलिंग के समय जो उसको राइटर को दिखाई दे रहे थे, वो उसकी बात कर रहा है। होम ऑफ द टाइगर्स, और उसके बाद क्या था, शेर के घर थे, एलिफेंट के घर थे, पायथन ये सांप का प्रकार होता है, एंड कोबराज इनके घर दिखाई दे रहे थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, एवरीवेयर यानी हर जगह देयर वॉज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, और एक समतल स्थान था, यानी वो ट्रैवलिंग करते हुए बता रहा है, तो जैसे जैसे उसके सामने दृश्य आते जा रहे हैं वो उनका वर्णन करता चला जा रहा है। तो अब उसके सामने क्या दृश्य आया है कि ऐसा स्थान फ्लैट बिल्कुल समतल स्थान दिखाई दे रहा है, रनिंग टू द होराइजन, होराइजन मीन्स होता है क्षितिज, जहाँ पर आकाश और सागर मिलते हुए प्रतीत हो, उसको क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर ऊपर वाला ऑरेंज कलर का जो ऊपर आकाश का और नीचे समुद्र का, यहाँ पर हमें लग रहा है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसको क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज भी उसको दिखाई दिए, बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय इज अ सेकर्ड बनियान ट्री और बाय द रोज ऑफ पकार ट्री शेप्ड लाइक एल्म्स, बट डॉटेड हेयर लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह, डॉटेड यानी डॉट एक एक जगह, देयर बाय सेकर्ड बनियान ट्री पवित्र बनियान के यानी बरगद के पेड़ लगे हुए थे, एंड रोज ऑफ पकार ट्रीज, और पकार ट्रीज एक ट्री होता है उसकी कतार लगी हुई थी, शेप लाइक एल्म के जो पेड़ होते हैं वो अफ्रीका में या अमेरिका में होते हैं, इसीलिए उसने अपने जहाँ पेड़ होते हैं उनसे कल्पना करके उसकी तुलना करी, एल्म के पेड़ों की तुलना भारत के पेड़ों से की है कि एल्म की तरह उसकी शेप बनी हुई थी। बनियान ट्री और having thick twisted trunk shaped like elms and having thick twisted trunk, और उनके पास कैसी थी, thick यानी मोटी, twisted यानी मुड़ी हुई, trunks यानी शाखाएं, उस पेड़ों में जो कतार में लगे हुए थे उनमें मोटी मुड़ी हुई शाखाएं थी। hot humid air was moving in the form of southwest, hot यानी गर्म, humid यानी नमी वाली air, हवा गरम नमी वाली हवा चल रही थी, southwest, south माने दक्षिण, west माने पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम हवा चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, मंकीज सम ऑफ देम यानी कुछ ऑफ देम मदर्स जिनमें कुछ माताएं थीं विद बेबीज क्लिंजिंग टू देम अपने बेबी को अपने शरीर से चिपकाई हुई थी एंड राइडिंग अंडरनीथ और उन पेड़ों के नीचे कूद रही थी या फिर चल रही थी। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन
स्वंग ऑफ होता है झूलना, तो वो झूल रही थी पेड़ों पर एट द स्टेशन, जो स्टेशन पर पेड़ थे उन पर झूल रही थी लुकिंग फॉर फूड, और खाने की तलाश में खोज रही थी। द विलेज वर वी पास्ट, जो गांव ट्रैवलिंग के दौरान यानी जो ट्रेन में ट्रैवलिंग के दौरान जो गांव आ रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उनकी दीवारें कैसी थी, मेड ऑफ मड, कीचड़ से बनी हुई थी, मिक्स्ड विद वाटर एंड काव डंग, और उसमें क्या मिक्स था, पानी और काव डंग यानी गाय का गोबर मिक्स था, उससे दीवारें बनी हुई थी। दियर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, उनकी जो नुकीली छतें थी वर थैच्ड, भूसे से बनी हुई थी, ठीक है। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, बंडल्स ऑफ ग्रास यानी घास के जो गट्ठर थे, टाइड टू बैम्बू पोल्स, बैम्बू यानी बांस के खंभों से बंधे हुए थे, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, वो जो बांस से बनी हुई थी, जो गांव में छप्पर बने होते हैं ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। द बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू द बैम्बू टोल्स, बैम्बू पोल्स यानी बैम्बू बांस को बिछाकर उनके ऊपर घास फूस रख के हम छप्पर बनाते हैं ना, उससे उनकी छतें बनी हुई थी। दैट डे द पम्पकिन वाइंस दैट ग्रू ओवर देम, और उनके ऊपर क्या हो रहा था, पम्पकिन यानी काशीफल, सीताफल या कद्दू, आप जो भी बोलते हो वो सब्जी होती है, पम्पकिन वाइंस, वाइंस मीन्स बेल, दैट ग्रू ओवर देम, ग्रू यानी बढ़ रही थी, यानी उनके ऊपर काशीफल या कद्दू की बेल चढ़ी हुई थी, बढ़ रही थी, वर इन ब्लूम, बिल्कुल खिली हुई थी यानी बढ़ रही थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ग्रो ओवर ड्रैब वॉल्स, ट्रेलिंग स्ट्रीक्स येलो ओवर ड्रावल्स, उन गंदे दीवारों पर यानी जो कीचड़ से दीवारें बनी हुई थी, उन दीवारों पर येलो कलर की जो लताएं हैं उसकी बेल है वो चढ़ी हुई थी, ठीक है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड, एट वन स्टेशन यानी एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड यानी बाधित हो गया, इंटरप्ट माने बाधित होना या रुकावट आ जाना, मेरा जो रूटीन था यानी जो मैं लोगों से बात कर रहा था वो बाधित हो गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का एक ग्रुप, एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, गैदर माने इकट्ठा, अराउंड मतलब चारों तरफ, मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। देवर सेलिंग बास्केट, वो क्या बेच रहे थे, सेलिंग मीन्स बेचना, वो बास्केट यानी टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड वुमन जो कि हाथ से बनी हुई थी, रीड बास्केट, रीड बोलते हैं नरकट यानी एक प्रकार की घास होती है जिससे टोकरी बनती है, ठीक है, तो रीड बास्केट वो किसकी थी, नरकट की टोकरी थी, फिर सिंपल डिज़ाइन, उसमें सिंपल डिज़ाइन थी एंड पैटर्न्स यानी सिंपल डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा अलग करके वो बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स, उन्होंने बास्केट लिए हुए थे, हाई शाउटिंग वर्ड, शाउटिंग मतलब चिल्ला रहे थे, कुछ वर्ड चिल्लाए थे, आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं उन वर्ड को नहीं जानता था कि वो क्या चिल्ला रहे थे, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली दियर डिज़ायर, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये बच्चे कौन थे, ये शरणार्थी बच्चे थे, ठीक है, शरणार्थी होते हैं, किसी एक जगह से हम किसी दूसरी जगह चले गए और वहाँ पर जाकर शरण ले ली, वो अपना पहले वाला स्थान जो नेटिव प्लेस हमने छोड़ दिया। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रीड, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड अप दियर रूट्स, वेन पार्टीशन ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब पार्टीशन मीन्स होता विभाजन, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वाज क्रीड, जब घोषित किया गया, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल यानी हज़ारों और लाख, हज़ारों और हंड्रेड की संख्या में लोग पुल्ड अप दियर रूट्स, उनको क्या किया गया, पुल्ड अप दियर रूट्स, रूट माने होता है जड़, पुल्ड माने पुल्ड अप यानी उखाड़ देना, यानी उन्हें अपनी जड़ से उखाड़ दिया गया, इसका मतलब जहाँ वो रहते थे उनसे, वहाँ से उनको हटा दिया गया, भगा दिया गया, एंड चेंज दिया रेजिडेंस, रेजिडेंस होता है निवास, और उनका निवास स्थान चेंज कर दिया गया। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत के कुछ लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के कुछ लोग भारत आए। 9 मिलियन पीपल, 9 लाख पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ा उन्होंने एंड केम टू इंडिया और भारत आए, ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनेटिज्म, ड्रिवन बाय द फियर, फियर माने होता है भय या डर, रिलीजियस फेनेटिज्म, रिलीजियस यानी धार्मिक कट्टरता, यानी धार्मिक कट्टरता के डर से उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया कि वहाँ पर कोई विवाद ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने वो छोड़ दिया। दे वर पीपल
देवर पुअर पीपल, वो गरीब लोग थे टू स्टार्ट विद, अपनी एक नई यात्रा शुरू करने के लिए वो यानी बहुत गरीब थे। देवर पुअरर एज द बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, पहले तो वो जो आपको पहली लाइन में बताया कि वो बहुत गरीब लोग थे, देवर पुअरर यानी ये और ज़्यादा गरीब हो गए एज द बिगेन दियर लॉन्ग ट्रैक, जैसे उन्होंने अपनी पद यात्रा लंबी पद यात्रा शुरू की तो वो और ज़्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जितना वो ले सकते थे, वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, वॉट अ बिट ऑफ फ्यू यानी भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा, यानी थोड़ा सा भोजन ले सकते थे लंबी पद यात्रा में, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ सामान, तो उससे जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड होता है उनका खाना ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों बाद, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, दे बिगिन टू फॉल, उन्होंने गिरना स्टार्ट कर दिया। गिरना स्टार्ट किया मतलब कि खाना नहीं मिल रहा है उन्हें और कहीं उनका घर नहीं है, तो थक हार के वो ज़मीन पर गिरने लगे। एंड द वे साइड यानी रास्ते के किनारे वो ज़मीन पर गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, किसके लिए वीकनेस यानी कमज़ोरी, हंगर यानी भूख, भूख की कमज़ोरी के कारण वो गिरने लगे। एंड व्हेन दे वेयर दे फेल एंड डेड वेयर दे फॉल, और वहीं मर गए जहाँ पर वो गिरे। द चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट, जो ये बच्चे थे जो टोकरिया बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वो पुत्र और पुत्रियां थे इन शरणार्थियों के जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान इधर उधर हो गए थे। दे और दियर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, आर दियर पेरेंट्स और उनके माता पिता और रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वो शहरों में एकत्र हो रहे थे, सेटिंग अप स्टॉल्स, कुछ स्टॉल लगा रहे थे अपनी जीविका कमाने के लिए, कुछ कमाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, कुछ साधारण सी चीज़ें, वस्तुएं बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, उस बाज़ार में जीने की कोशिश कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे। ऑलरेडी ओवरक्राउडेड, जो कि पहले से ही बहुत भीड़ भरा था। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट, दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, यानी वो किस में रहते थे, जो कपड़े और घास के शेड, कपड़े और घास के जो शेड यानी होता है छत्र, ऐसे घर बने हुए थे, दैट लाइन द स्ट्रीट, जो गली के किनारे बना लेते हैं, ऐसे घरों में आश्रय लेके रह रहे थे। द पीजेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन ए कस्टमोटो लिटिल ऑल दियर लाइव्स, फॉर एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 अ ईयर। There is a one meal a day and onion. There is a one meal, यानी उनके पूरे दिन में सिर्फ एक ही खाना भोजन होता है, या लंच डिनर ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बार वो खाना खाते थे। उसमें भी क्या होता था उनका, एक एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी, अ बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क, एक बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क यानी थोड़ा सा दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉड पीस, परहैप्स अ बिट ऑफ गॉड चीज़, और एक छोटा सा टुकड़ा जो कि संभवतः किससे बना हुआ था, बकरी के दूध से जो पनीर बना हुआ है वो उसका था। नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो फैट यानी जिससे हमारे शरीर में फैट बढ़ता है, ऐसा कोई भी भोजन नहीं था। नो स्वीट, कोई मिठाई नहीं, नो मीट, नो कोई मांस। $100 a year is not $2 a week, यानी $100 a year is not $2 a week. Yet even that small amount, $100 a year is not $2, यानी एक साल में $100, तो अगर हिसाब लगाया जाए तो वीक में $2 भी पूरे नहीं हो पाते थे। Yet even that be that small amount, ये जो छोटा सा amount था, थोड़ी सी जो रकम थी, is hard to earn, बहुत ही मुश्किल था उसको कमाना, by selling basket, सिर्फ टोकरियाँ बेचकर, to people too poor to buy them, वो इतने गरीब थे कि उनके आसपास गरीब ही लोग थे, तो वो भी टोकरियाँ नहीं खरीदते थे, उन्हें कमाना बहुत ही मुश्किल था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न दीज लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन लाइक कोसर्ट, दैट नो डाउट, कोई शक की बात नहीं है, इज़ द रीज़न, कोई कारण था, ये कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, डिसेंडेड ऑन लाइक लोकस्ट, डिसेंडेड यानी चढ़ गए थे, लाइक लोकस्ट, लोकस्ट होता है टिड्डियाँ, ठीक है, टिड्डियाँ, एक बहुत सारा झुंड आता है जो खेत को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, तो यही रीज़न था कि वो सारे बच्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए आगे टिड्डियों की तरह, क्योंकि उन्हें कुकमाने का कोई और ज़रिया नहीं था,
ठीक है। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी था, वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, वॉज डाउटलेस यानी निसंदेह द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। तो उन्हें उसके अपीरियंग को देखकर यानी उसका जो वेशभूषा को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये हमारी बास्केट को टोकरी को खरीद लेगा, इसीलिए उसके आस पास उन बच्चों एक बच्चे इकट्ठे हो गए थे टिड्डियों की तरह। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू एनास, तो आई बॉट वन टाइम, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी कुछ आने की, अनदर फ्रूट बास्केट, पहले पैसे की जगह आने चलते थे ठीक है, तो अनदर फ्रूट बास्केट कोई दूसरी फलों की टोकरी खरीदी फॉर अ बिट ऑफ मोर, कुछ और आने हुए, अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर रुपीज़, वेस्ट पेपर से जो बास्केट सुंदर बास्केट बनी हुई थी उसको एक रुपये में खरीदा, अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपी, एक सुई का सामान यानी जो सिलाई का सामान रखने वाली बास्केट खरीदी कुछ रुपए की, अ फ्यू फैंस फॉर एना और टू अ पीस, और कुछ मैंने पंखे खरीदे हाथ के बने हुए जो कि एक आने या दो आने के पर पीस थे। माय आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो हाथ थे सामान से भर गए थे, मैंने इतना सामान खरीद लिया था, एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, यानी इतना सारा सामान लेने के बाद भी उसके सिर्फ 50 सेंट ही खर्च हुए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, जो बच्चे थे आ रहे थे जा रहे थे शाउटिंग दियर वेयर्स, और जो वो सामान बेच रहे थे वो उसका नाम लेकर चिल्ला रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक कैदी बन गया हूँ। कम्प्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह बच्चों से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, और अनेबल यानी बिल्कुल असमर्थ था घूमने में, यानी इधर उधर भी नहीं घूम पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत ही ज़्यादा शालीन एग्रेसिव आक्रामक वेंडर यानी बेचने वाली वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की थी ऑफ 9 साल की राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी हुई थी। शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक बहुत ही सुंदर प्यारी टोकरी थी जिसका हैंडल भी बहुत सुंदर था। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, और वो उसके लिए क्या चाहती थी, एक रुपया और आधा रुपया यानी 1.5 रुपया चाहती थी उस टोकरी के लिए, और अबाउट 30 सेंट, लगभग 30 सेंट्स। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो एक प्लीडर माने होता है याचना करने वाला, वो बहुत ही ऐसी लग रही थी जैसे उसके फेस से ही लग रहा था कि वो चाहती थी कि मैं उसकी टोकरी खरीद लूँ, वो याचना कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बैग्ड इन टोन्स, वो इस तरीके से याचना कर रही थी कि दैट वुड रिंग एनी हार्ट, कि वो किसी के भी हृदय को पिघला दे, वो इस तरह से याचना कर रही थी कि वो किसी के भी हृदय को पिघला दे या किसी को भी बाध्य कर दे उसकी टोकरी खरीदने के लिए। माई आर्म्स वर फुल, मेरे जो हाथ थे बाजू थी वो पूरी भर चुकी थी। आई हैड नो रूम लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, आई हैड नो रूम, आई हैड नो रूम का मतलब है कि कोई जगह ना होना, तो मेरे हाथों में कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, कि मुझे और किसी दूसरी बास्केट की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माय बास्केट एंड फेंस ऑन माय लेफ्ट आर्म, मैं अपने जो टोकरियां थी और जो पंखे थे अपने बाएं हाथ में बैलेंस कर रहा था, यानी एक हाथ में करने की कोशिश कर रहा था। आई रीच इन टू द माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, आई रीच इन टू माई राइट पॉकेट, रीच माने पहुँचना, इन टू माई राइट कोट पॉकेट, जो उसने कोट पहना हुआ था उसकी जेब में उसका हाथ, उसने हाथ डाला एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और क्या मिला उसमें, हैंडफुल यानी हाथ भर के चिल्लर मिले, चेंज होना ही चिल्लर मिले, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, कि शायद वो जितने सारे होंगे वो 50 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, डिपॉजिट मीन डाल दिया, यानी मैंने अपने जो हाथ में 50 सेंट थे उसकी बास्केट में डाल दिए उस यंग गर्ल की, एंड हेल्ड इम्प्रोंगली बिफोर मी, जो कि मेरे सामने वो याचना करते हुए टोकरी लेके खड़ी हुई थी उस टोकरी में डाल दिए। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं उसे कोशिश कर रहा था वर्णन करने की, दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट, कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रैच्युटी एज सब्स्टिट्यूट, लेट रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मैंने क्या अपराध किया है। व्हाट आई हैव गिवन, उसे पैसे देकर, द
दिस चाइल्ड ऑफ नाइन, ये जो छोटी 9 साल की जो बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एंड ऑन द स्टेज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी की कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, अपने उसने चिन उठाया, चिन ऊपर यानी ठुड्डी ऊपर की, रीच्ड इनटू द बास्केट और बास्केट में हाथ डाला। दोबारा देखो, दिस चाइल्ड ऑफ नाइन, ये जो 9 साल की बच्ची थी, ड्रेस्ड इन रैग्स, फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी, एंड द एज ऑफ स्टारवेशन और भुखमरी की कगार पर थी, रेज डर फिर अपनी ठुड्डी उठाकर या चिन उठाकर बोली, देखा, रीच्ड इन द बास्केट और अपने बास्केट में हाथ डाला, एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, जैसे एक लेडी में शान और गर्व के जो गुण होते हैं, उस गर्व के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई वुड डू, केवल एक ही उपाय बचा था, या फिर केवल एक ही चीज़ में कर सकता था, कि मैंने उसकी टोकरी खरीद ली, आई बॉट द बास्केट, मैंने उसकी बास्केट खरीद ली, क्योंकि वो लड़की ऐसे ही दान में पैसे नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं उसकी टोकरी खरीद लूँ, उसके बदले में उसके पैसे दूँ। शी वाइप्ड हर आइज, फिर उसने क्या किया, उसने अपने आंसू पोंछे, स्माइल्ड, हंसी एंड हैज डाउन टू प्लेटफॉर्म, हैरिड फॉर सम ग्रास हट, और एकदम प्लेटफॉर्म से नीचे बिल्कुल बहुत तेज़ी से भागी, हैरिड फॉर किसकी तरफ भागी, सम ग्रास हट, एक घास के बने हुए झोपड़ी की तरफ, दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और ये उस रात उसके 30 सेंट हुए होंगे, यानी टोकरी बेचने के बाद लगभग उसके पास 30 सेंट हुए होंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने ये जो स्टोरी थी, ये जो कहानी मेरे साथ हुई थी, वो मैंने प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न, कि केवल एक ही रीज़न है, आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत के प्रति प्यार में गिर गया, यानी मुझे भारत से प्यार हो गया उस लड़की की वजह से। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे थे, दोज इन विलेज, चाहे वो गांव में हो, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, जो कि उच्च पद पर हो या फिर ऊँचे ऑफिस में काम करते हो, हैव बोथ प्राइड, दोनों के पास कौन क्या है, गर्व, ए लिवली सेंस ऑफ, एक जीवंत उदाहरण है उनकी नागरिकता का, ऑडिशियंस, उनकी शालीनता का। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, कि उनके अंदर एक पैशन है स्वतंत्रता का। दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, ये जो सुंदर बच्ची थी, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो कि गंदगी और गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी इन बोथ, दोनों में, ग्रामर में, व्याकरण में और मैनर्स में और तौर तरीकों में, यानी ना ही से बोलना आता था ठीक से और ना ही वो व्याकरण रूप से, यानी जो हम व्याकरण पढ़ते हैं वो भी उसे बिल्कुल नहीं आती थी। हैड गिवन मी, उसने मुझे क्या दिया था, ग्लिम्स, एक दृश्य दिया था, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, एक गर्म आत्मा भारत की, गर्म आत्मा से मतलब कि भारत का एक ऐसा सीन मेरे हृदय में छाप दिया था जो कि मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता था। हेयर ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर हिंदी, ओके?